हिमाचल परिवहन निगम ने बस अड्डे में अतिक्रमण के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की। हटाए गए अवैध कब्जे। हिमाचल परिवहन निगम ने बस अड्डे में खोखे धारकों को 24 घंटे की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि अपने खोखे पीछे हटा लें, नहीं तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। आरएम विवेक लखनपाल सहित हिमाचल परिवहन निगम के 25 से 30 कर्मचारी अपनी पूरी टीम के साथ बोटा बस अड्डे पर पहुंचे, जो खोखे धारकों ने टीम के शेड जो लगाए थे उन्हें भी हटाया गया और दुकानदारों का भी सामान जब्त कर लिया गया। विवेक लखनपाल ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहेगी, जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने जिला में 2 से 8 दिसंबर तक मनाए जाने वाले मातृवंदना सप्ताह के दूसरे दिन एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली उपायुक्त कार्यालय से बाल स्कूल मैदान तक निकाली गई। रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी HC शर्मा, CDPO वीरेंद्र बिरला, सुपरवाइजर प्रदीप कुमार चौहान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मातृवंदना सप्ताह में स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की ओर से सुरक्षित जननी व विकसित धारणी को समर्पित जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी HC शर्मा ने कहा कि इस दौरान जिले के अधिक से अधिक महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना से जोड़ा जाएगा, ताकि वे इस योजना का लाभ ले सके। हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के सांप दुराचार के बाद निर्मम हत्या पर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अनीता वर्मा ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर कोसा है। हमीरपुर में अनीता वर्मा ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर केंद्र सरकार लोगों को गुमराह कर रही है और डॉक्टर रेड्डी के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अनीता वर्मा ने अफसोस जताते हुए कहा कि बड़े ही दुख की बात है कि आज भी पूरा देश नींद में सोया हुआ है। पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने कहा कि पूर्व की UPA सरकार के समय में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए थे, लेकिन अब फास्ट ट्रैक कोर्ट भी नहीं रहे हैं, जिससे गुनहगार बचते आ रहे हैं। वर्मा ने कहा कि BJP सरकार केंद्र में दूसरी बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर सत्ता में आई है, लेकिन आज देश में बेटियों की सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं हो पा रहा है। साथ ही अनीता वर्मा ने प्रदेश की BJP सरकार पर भी कानून व्यवस्था चरमराने के आरोप लगाए हैं और कहा कि जहां केंद्र सरकार के पास ही कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा, ये सहज ही पता लग जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर बढ़ रहे दुराचार के मामलों से बाहरी लोग प्रदेश में आने से परहेज करेंगे, इसलिए व्यवस्था में जल्द सुधार होना चाहिए। हमीरपुर के लम्बरू में प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। लम्बरू के आसपास के क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए पेश आ रही समस्या के चलते ग्रामीणों ने हमीरपुर विधायक नरेंद्र ठाकुर से PHC खोलने की मांग की है। हमीरपुर के सर्किट हाउस में विधायक नरेंद्र ठाकुर के पास लम्बरू क्षेत्र के एक दर्जन बाशिंदों के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंप कर जल्द PHC खोलने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि लम्बरू में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की मांग कई सालों से की जा रही है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जिसके कारण लोगों को इलाज के लिए हमीरपुर का रुख करना पड़ता है।
प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने बताया कि हमीरपुर के सर्किट हाउस में विधायक नरेंद्र ठाकुर से मिलकर लंबड़ू क्षेत्र के एक दर्जन बाशिंदों के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपकर जल्द पीएचसी खोलने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि विधायक को ज्ञापन सौंपा गया है और आगामी दिनों में हमीरपुर में सीएम के आने पर पीएचसी सेंटर की मांग को पूरा करने के लिए बात की जाएगी।